दो दिनों की कार्रवाई में जुटमिल पुलिस द्वारा करीब 3.25 लाख रुपए के 42 लाख मोबाइल सहित अन्य सामान बरामद किए गए हैं। जुटमिल पुलिस की सक्रियता से बदमाश और दो अपचारी बालकों से मोबाइल और सामान जब्त किए गए थे। पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह के दिशा निर्देशन पर एक और जिले में सोशल पुलिसिंग के तहत मानवीय कार्य किए जा रहे हैं, वहीं प्रभारी अपराध नियंत्रण के लिए प्रभावी कार्रवाई कर रहे हैं। जुटमिल चौकी प्रभारी अमित शुक्ला क्षेत्र में चोरी की वारदातों को नियंत्रण में रखने अपने मुखबिरों को लगातार संदिग्धों की सूचना देने एवं स्टाफ को चोरी नकाबचनी में संलिप्त आरोपियों की गतिविधियों पर निगराह रखने के निर्देश दिए गए हैं। इसी क्रम में दिनांक 13/6/2021 के दोपहर चौकी प्रभारी जुटमिल को उनके मुखबिर द्वारा ट्रांसपोर्ट नगर के पास एक युवक सस्ते दाम में महंगे मोबाइलों को बेचने के लिए ग्राहक तलाश रहा था, जिसके पास 20 से अधिक मोबाइल थे। चौकी प्रभारी द्वारा तत्काल चौकी से सहायक उप निरीक्षक आरक्षक को ट्रांसपोर्ट नगर रवाना किए। स्टाफ संदेही को हिरासत में लेकर पूछताछ किए। संदेही ने अपना नाम करण भारद्वाज गांधी नगर जुटमिल निवासी बताया, जिसने हाईवे पर खड़ी वाहनों से तथा जुटमिल क्षेत्र में मोबाइल चोरी कर सस्ते दामों में बेचना स्वीकार किया है। वहीं आरोपी के मेमोरेंडम पर 25 विभिन्न कंपनियों के टच स्क्रीन एवं कीपैड मोबाइल जब्त किया गया है, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 1,60,000 रुपए बताई गई है। चौकी जुटमिल में आरोपी के विरुद्ध धारा 41(1)(4) CRPC 389 IPC की धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है। वहीं जुटमिल पुलिस द्वारा दो अपचारी बालकों से 17 नग मोबाइल, टुल्लू पंप, स्कॉर्पियो वाहन की बैटरी बरामद किया गया था। दोनों कार्रवाई सहित दो दिनों में जुटमिल पुलिस चौकी द्वारा 42 मोबाइल, जिसकी कीमत लगभग 3,20,000 रुपए है, जब्त किया गया है। रायगढ़ से सुरजीत कौर की रिपोर्ट, ACN 24।